लोकसभा प्रचार के दौरान रैली में यूं तो कई रंग देखने को मिले, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा में समाजवादी पार्टी की रैलियां रही जहां अखिलेश यादव पहुंचे। उस रैली में कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वह रैली चर्चा में आ गई। अखिलेश यादव की रैली में कई बार ऐसे मौके आए जब छिटपुट झड़प देखने को मिली, तो कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत किया, तो कहीं अखिलेश ने मन से कार्यकर्ताओं को संभाला। ज्यादातर ऐसा वाक्या छठे और सातवें चरण की रैली में देखने को मिला है। चुनाव से फ्री होने के बाद अखिलेश यादव ने एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू के दौरान इसको लेकर बात की। अखिलेश ने अपनी रैलियों में आने वाली भारी भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, एक फेज में ही वोटिंग होनी चाहिए थी, एक बार में वोट पड़ जाते और सब शांति से अपने घर चले जाते। अखिलेश कहते हैं कि कार्यकर्ता अपने ढंग से नेता को बताने का प्रयास करता है कि वह आपके साथ है, वह इतनी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है कि कभी कभी लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी आउट ऑफ द वे जा रही है, कई बार उन्हें मना भी किया जाता है। उन्होंने शरीर पर मेरे टैटू बना रखे हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने सबको बुलाया और समझाया कि यह बात सही नहीं है, कल तुम्हारा मन बदल गया तो ये टैटू कैसे हटाओगे। उनके पास ईडी सीबीआई पहुंच गई तो समझो वो पक्का पकड़ा जाएगा और उन्हें मिटाने और भागने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। अखिलेश मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के कैंपेन या रणनीति में जो सबसे बड़ी खामी उन्हें दिखती है, वे बहुत ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग नहीं करा पाए। वे कहते हैं कि अगर मैं करा पाता तो चीजें और भी बेहतर होती हमारे लिए, मसलन वर्कर्स को बूथ पर कैसे काम करना है, पॉलिटिकल पार्टी को किसी प्रोग्राम में कैसे बिहेव करना है, अगर ये एक्सरसाइज कर ली होती तो हमें और आराम व मदद मिलती। कार्यकर्ताओं के रैलियों में बैरिकेड तोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं बैरिकेडिंग ज्यादा न टूट जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि छठे और सातवें चरण में जो प्रेशर है, जहां पुलिस कम है, हमारे लोग जो मंच बनाते हैं उसमें विजिबिलिटी कम होती है। अगर विजिबिलिटी ही नहीं होगी तो वर्कर आपको दिखेगा कैसे, और अगर नेता नहीं दिखेगा तो वह एक्शन शुरू कर देता है। अखिलेश के इस इंटरव्यू के बाद कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ सातवें फेज के चुनाव के लिए अपने अपने बूथों पर डटे हुए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।